डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज़ द टॉपिक फ्रॉम इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स इज़ द पार्ट ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर ऑफ सीसीएस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर का पार्ट है सीसीएस यूनिवर्सिटी का। आज हम इस टॉपिक से आपके लिए शुरू कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट बिफोर स्टार्टिंग द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दैट यू नो वेरी वेल, जैसे कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज के समय में कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में हिंदुस्तान में फैला हुआ है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस बीमारी से लड़ने के लिए निश्चित रूप से अधिक समय अपने घर पर ही रह के गुजारें। तो स्टूडेंट, आप भी अपनी पढ़ाई घर पर रह के कीजिए, बहुत ही विशेष दशा होने पर घर से बाहर जाइए, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अपने मास्क का प्रयोग कीजिए, ज़्यादा सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, अपने हाथों की सफाई बार बार कीजिए। ऐसे ही जो नियम सरकार ने और हमारे डॉक्टर्स ने बनाए हैं, हमें इनका पालन करना होगा और हमें इनका पालन करने के साथ साथ अपनी अड़ोस पड़ोस में इसकी जागरूकता फैलानी होगी। तो मैं अपने स्टूडेंट से चाहूँगा वे भी इसकी जागरूकता फैलाएं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। टुडे आवर टॉपिक इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, as you know very well that income from other sources is the fifth and the last head among us to the five heads of income. That's you know very well that the total five heads of income: first heads of income is salary, second heads of income from house property, third head of income is income from business and profession, and fourth heads of income is income from capital gain, and last head of income from other sources. Section 56 to 59 of the Income Tax Act 1961 deal with this head. According to Section 56, first, income of every kinds which include in the total income under this head act, but which is not chargeable to income tax under any of the four head discussed in the preceding chapter. जैसे कि हम पहले ही चार टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, जो इनकम उन चार टॉपिक में नहीं आती, दे शैल बी चार्जेबल ऑफ इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सोर्सेज। वो इनकम जो पिछले चार हेड्स में नहीं आएगी, वो इनकम इस हेड में चार्जेबल होगी। Thus, any income which satisfies the following two condition will be taxed under this head. अन्य साधनों में शीर्षक में कर योग्य वह आय होगी जो पहले चार शीर्षकों में नहीं आएगी, और इस शीर्षक के अंतर्गत जो आएगी उसे निम्न शर्तों को पूरा करना होगा। नंबर फर्स्ट, दस एनी इनकम विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशन विल बी टैक्स्ड अंडर दिस हेड। नंबर फर्स्ट, इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। पहली, आय इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है। सेकंड, such income is not chargeable to tax under any of the four heads: income from salary, income tax
from property, profit and gain of business and profession or income from capital gain. और दूसरी शर्त, ऐसी कोई भी आ पिछले सभी पिछले चार हेड्स में कर योग्य नहीं होगी. और चार हेड वेतन, मकान संपत्ति, व्यापार एवं पैसा और पूंजी लाभ. According to section 56(2), the following income shall be chargeable of income tax under the head of the income from source. Dhara 56(2) के अंतर्गत निम्नलिखित आय अन्य साधनों की आय में कर योग्य होगी. सबसे पहली बात यदि कहे तो वह है लाभांश. अगर एक व्यक्ति को कोई लाभांश प्राप्त होता है तो वह अन्य साधनों की आय माना जाएगा. नंबर सेकंड, इनकम ऑफ कैजुअल नेचर, आकस्मिक प्रकृति की प्राप्त होने वाली इनकम. इनकम ऑफ कैजुअल नेचर सच एज ए विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार गेम्स एंड अदर गेम, और एनी शॉर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी फ्रॉम द नेचर. यानी कि किसी भी प्रकार की कैजुअल इनकम, चाहे वो लॉटरी से हो, हॉर्स रेस से हो, जुए और सट्टे की आय हो, तो वो सभी अन्य साधनों की आय में जोड़ी जाएगी. नंबर थर्ड, एनी ऑफ द फॉलोइंग सच रिसीव्ड फ्रॉम एसएससी फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय, इफ एनी सच इन नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. जस्ट नंबर फर्स्ट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू टू सुपरनेशनल फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 एंड कंट्रीब्यूशन टू ऑफ एनी अदर फंड सेट अप फॉर द वेलफेयर ऑफ सच एम्प्लॉय. तो स्टूडेंट, नियोक्ता को अपने कर्मचारी से प्राप्त होने वाली यदि कोई आय कुछ इस प्रकार की है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, सुपरनेशन फंड का अंशदान हो, कर्मचारी राज्य अधिनियम 48 के अंतर्गत स्थापित फंड हो, और चाहे कर्मचारियों के कल्याण हेतु स्थापित किसी भी अन्य फंड के अंशदान हो, तो अगर ऐसी किसी भी प्रकार के फंड प्रोविडेंट फंड प्राप्त होते हैं तो वो अन्य साधनों की आय है. एंड नेक्स्ट इज इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इफ सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन. यानी कि इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, प्रतिभूतियों पर ब्याज, यदि यह आय व्यापार या पैसे के अंतर्गत ना आती हो तो ये भी अन्य स्रोत की आय मानी जाएगी. नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ एनी मशीन प्लांट और फर्नीचर belonging to the SSC, if the such income is not chargeable income from letting on the hire of machine, plant and furniture belonging on the SSC, if such income is not chargeable under the head profit and gain of business and profession. करदाता की मशीन, प्लांट एवं फर्नीचर की किराए की आय, यदि यह इनकम व्यापार और पैसे की नहीं है तो यह इनकम भी
अन्य साधनों की आय में जोड़ी जाएगी। एंड इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन द हायर ऑफ एनी मशीन प्लांट और फर्नीचर, करदाता की मशीन प्लांट और फर्नीचर के किराए की आय, यदि यह भी व्यापार और पैसे में नहीं जोड़ी जाएगी तो। एंड नेक्स्ट इज एनी सम रिसीव्ड अंडर ए अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इफ सच सम इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और अंडर द हेड ऑफ सैलरी। मुख्य व्यक्ति बीमा पॉलिसी, के अंतर्गत प्राप्त राशि, यदि प्राप्त बोनस आदि अन्य स्रोतों की आय न हो। नंबर सेकंड, यह राशि व्यापार और पैसे से प्राप्त में न हो या ये वेतन शीर्षक में न आई हो तो यह इसके अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इन इनकम इन द नेचर, इनकम इन द नेचर इनकम इन द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन से प्राप्त आए। पारिवारिक पेंशन से तात्पर्य क्या है? पारिवारिक पेंशन से तात्पर्य किसी कर्मचारी के मृत्यु पर उसके परिवार को दी जाने वाली मासिक आय से है। ऐसी आय प्राप्तकर्ता के लिए अन्य स्रोत की आय मानी जाएगी। इनकम इन द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन मीन्स ए रेगुलर मंथली अमाउंट पेबल टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर टू ए पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ एनी एम्प्लॉय इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। सच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट इज If any person received from any person or persons of after April 2017 a sum of money of properties without consideration in any previous year, the aggregate value of which exceed rupees 50,000, the whole of such or value of the property shall be chargeable to tax under the head of income from other sources। यानी कि प्रतिफल रही धनराशि या संपत्तियाँ, यदि किसी गत वर्ष में 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद बिना प्रतिफल के कोई धनराशि या राशि या चल अथवा अचल संपत्ति प्राप्त की जाती हो जिनको मिलाकर 50,000 से अधिक की होंगी, तो ऐसी संपूर्ण राशियां का टोटल कर योग्य होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एनी कंपनसेशन, नेक्स्ट इज एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू रिसीव्ड बाय एनी पर्सन एनी कंपनसेशन ऑफ अदर पेमेंट्स ड्यू टू रिसीव्ड एनी पर्सन बाय व्हाट एवर नेम कैन इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और the modification of the terms and condition relating thereto shall be taxable under this head। व्यक्ति की सेवा की समाप्ति पर या सेवा शर्तों में संशोधन पर प्राप्त पर जो कंपनसेशन है वो इस हेड की इनकम होगा।
Next is, if a company not being a company in which public is substantially interest received previous year from the any resident person and any consideration for issue of share, preference or equity exceed the face value of such share issued at premium, just like issue at premium, then the aggregate consideration received such share which is exceed of the fair market value shall be taxable. यदि कोई कंपनी अपने जनता का सार्वान हित नहीं रख रही है तो गत वर्ष में किसी व्यक्ति निवासी से संतांश या पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य से प्राप्त अधिक प्रतिफल प्राप्त करती है तो अंशों से प्राप्त प्रतिफल की वह राशि, संपूर्ण प्रतिफल की वह राशि तो इन अंशों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है, कर योग्य होगी। अर्थात अंशों के निर्गमन पर प्राप्त संपूर्ण प्रतिफल का अंशों के उचित बाजार मूल्य पर अधिक के अन्य साधनों की आय माना जाएगा। एंड नाउ इज द नेक्स्ट नंबर 12। एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन, किसी क्षतिपूर्ति पर ब्याज, क्षति प्रतिभूति पर ब्याज अदर सोर्सेस की इनकम होगा। नेक्स्ट इज इफ एनी सम ऑफ मनी हैज बीन रिसीव्ड बाय द एसएससी एंड एज एन एडवांस और अदरवाइज इन दी कॉर्स ऑफ negotiations for transfer of a capital assets and such sum is a forfeited, and second is B, negotiation do not result in the transfer of such capital assets, then such forfeited advance money shall be taxable in the hands of SSC as income from other sources during the previous year in which such forfeited taken place. Now is the next is, and now is the most important, after 13 other sources income, besides these income, the following income are also chargeable of the income tax head under the head of income from house property. Students, जो पिछली 13 इनकम हमने बताई है उनके अलावा निम्नलिखित इनकम भी अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती हैं। आपको मैं ये आगे की जो ये आगे की इनकम बता रहा हूँ, ये टोटल जो है आपकी, ये टोटल आपकी 42 इनकम दे बता रहा हूँ, जो ये 42 इनकम है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके अलावा ये 14 इनकम जो है इनमें से कोई भी 10 नाम आप याद कर लीजिए जो अदर सोर्सेज की इनकम के बारे में दिए गए हैं। तो मैं इनकी जनरली कुछ नाम आपके सामने बता रहा हूँ, जैसे एग्रीकल्चर इनकम रिसीव फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर प्राप्त होने वाली कृषि आय, क्योंकि भारतीय कृषि आय कर मुक्त है तो भारत के बाहर प्राप्त होने वाली कृषि आय कर योग्य होगी।
जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और अथॉरिटी, विदेशी सिक्योरिटी पे प्राप्त ब्याज, सैलरी ड्यू टू मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, एक सामान्य व्यक्ति की सैलरी सैलरी हेड में जाएगी पर सैलरी ड्यू टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर सोर्सेज की इनकम है, कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर यूज ऑफ बिजनेस एसेट, बिजनेस एसेट्स को प्राप्त होने वाले यूज ऑफ बिजनेस एसेट, बिजनेस एसेट्स को यूज करने के कारण प्राप्त होने वाला कंपनसेशन, व्यापारिक संपत्तियों को प्रयोग करने वाला प्रयोग के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति। एंड द नेक्स्ट इज रॉयल्टी और रेंट ऑफ, एंड नेक्स्ट इज रॉयल्टी और रेंट ऑफ माइंस रिसीव्ड ऑफ रिसेवेबल बाय द ओनर ऑफ ए कोल माइन। जैसे कि कोयले की खान के स्वामी द्वारा प्राप्त अधिकार शुल्क व खान का किराया, ये भी अदर सोर्सेस की इनकम होता है। एनी फीस कमीशन रिवार्ड्स और अदर रेमुनेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम ए पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयज, एग्जामिनेशन रेमुनेशन received by a teacher, tip received by a waiter, एक waiter को प्राप्त होने वाली tip, examination remuneration एक teacher को प्राप्त होने वाला, एक कोई fee प्राप्त होने वाली fees, कोई commission, कोई reward by the employee from a person other than, यानी कि any fees, any commission, reward ये अदर सोर्सेज की इनकम में ऐड किए जाएंगे। डायरेक्टर सेटिंग फी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, निश्चित रूप से संचालकों के बोर्ड मीटिंग में बैठने के लिए प्राप्त होने वाली फीस, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ ए प्रॉपर्टी, संपत्ति को पुनः किराए पर, यदि कि कोई संपत्ति आपने किराए पर ली और उस किराए की संपत्ति का कुछ हिस्सा या पूर्ण हिस्सा दूसरे को किराए पर दिया, तो ऐसी संपत्ति को पुनः किराए पर उठाने से आए। तो स्टूडेंट, यहां मैंने अभी इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ इनकम आपके सामने डिस्कस करी हैं, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। ये टॉपिक अभी हमारी अगली 3-4 वीडियो में पढ़ाया जाएगा, इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हर वीडियो को आप ध्यान से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके क्वेश्चन मेरे से पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट, अभी इस टॉपिक में अभी केवल आप जितना मैंने पोर्शन आपसे डिस्कस किया है, ये पोर्शन आप इसमें तैयार कीजिए, कोई प्रॉब्लम यदि इसमें आती है तो मेरे से डिस्कस कीजिए और घर पे तैयारी करते रहिए। तो स्टूडेंट, thanks of all student for watching the video.